हैप्पी की हाइट हाइट कितनी है अपनी? मेरी 6 फुट, 6 फुट है मेरी भाई, 5'9" 9.5 या 10 लगा लो। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इस पे सेडलिंग काफ़ी आसानी और काफ़ी आराम से कर पा रहा था, लेकिन तेरा एक्सपीरियंस बता एक बार कैसा एक्सपीरियंस? मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि वो सेडलिंग करते टाइम मेरे को थोड़ा सा ये ज़्यादा मतलब किस चक्कर में वो क्या मेरा जो ये पोर्शन है ना और मेरे को ये थोड़ा सा नीचे जाना पड़ा। हाँ तो मतलब अगर अगर घुटने ऐसे थे तो तू ऐसे इजीली खड़ा हो पा रहा था, अगर तेरे घुटने सीधे कर रहे तो तेरे को झुकना पड़ रहा था, उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था अनकंफर्टेबल लग रहा था। बट तो कैसे हो भाई, एक और बार भाई स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। एंड आज है भाई अपने सामने क्या आ चुका है देख रहे हो ना, इसको भाई लेके आ चुके हैं आपके अंदर नई वीडियो के अंदर, और वो तो भाई अपने वाली वेरोनिका है ही, हैप्पी भाई वाली, क्या बात है, ऑल टाइम फेवरेट। सो आज आपके सामने भाई इसलिए लेके आए हैं क्योंकि एक जो एक जेन्युइन सा जो एक कंपैरिजन सा जो है हमें जो देखने को मिल जाता कि हाँ भाई इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नहीं, अगर एक साथ खड़ी करते हैं कैसी लगती हैं, क्या क्या मेजर चेंजेस है, भाई हम दोनों ने इसको चला के देखा है ठीक है, और उसका एक जेन्युइन आपको एक रिव्यू देने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के आओ फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई वीडियो को स्किप मत करना, आपको एक बेस्ट चीज़ बता देंगे इसके अंदर, मतलब आप भाई शॉक्ड हो जाओगे उस चीज़ के लिए। सो चलो करते हैं स्टार्ट। हैप्पी वाली और हैप्पी चला रहा हिमालयन, फाइनली आज अपने पास हिमालयन आ चुकी है और आज इसकी टेस्ट राइड लेके देखने वाले हैं कि कैसा इसके साथ एक्सपीरियंस रहने वाला है। सो एक बार दोनों को थोड़ा सा हल्का सा खींच के भी देखेंगे, बाकी फ़र्क तो बहुत है भाई, ये इसका उसका तो आधा इंजन है, ये वो फुल है भाई। चलो एक बार देखते हैं, चलो भाई इसकी थोड़ी सी राइड लेके देखते हैं। 1 2 3 ओ भाई सोहा भी हैप्पी, कैसा है तुम, कैसा फील हो रहा है? तो भाई हैप्पी भाई ने आज इसको ड्राइव करके देखा। सबसे पहले मैं इसी से पूछ लेता हूँ क्योंकि ये हर बार अपनी रॉयल एनफील्ड चलाते हैं, कैसा लगा इसकी ड्राइव? अच्छा लगा, पावर पावर पावर। तब इसको चला रहे थे कैसा फील हो रहा था? इसको चला रहे थे कैसा फील? इसको चलाते हैं तो वैसा अच्छा फील हो रहा है, और अब इसको चला के चला के थोड़ा और अच्छा फील हो रहा है। किस तरीके का फील हुआ बताओ ना, थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाओ यार। एक्साइटमेंट में सबसे पहले बात ये बताऊँ कि जैसे ही मैंने इसको पुश किया बाइक को, ये ऐसे निकली है, मेरे को ऐसा लगा कि मैं हिमालयन ने चला के कोई डुक चला रहा डुक चला ऐसा ही पावर मेरे को फील हुई भाई जब मैंने इसको चलाया फर्स्ट टाइम। सो ये तो फीलिंग हमारी सेम थी दोनों की। अब दूसरी चीज पे बातें हैं, फर्स्ट गियर में व्हीली पॉप करती है भाई। हां भाई फर्स्ट गियर में व्हीली पॉप होती है इसमें यार, और एक खास चीज मेरे को ये लगी व्हीली पॉप मतलब वो डेंजरस वाली नहीं होती इसमें। बस ये वो हल्का सा यूं हुआ, थोड़ा सा पावर इसने दिखाई अपनी, और ये साथ साथ नीचे डाउन आया। शो ऑफ करना चाहते हैं आप, खड़े हैं किसी ऐसी जगह जहां आप व्हीली पॉप करना चाहते हैं तो वो यही। एंड हाइट वगैरह का क्या सीन लगा? मेरे को लगा थोड़ी सी ये ऊंची लगी है। नहीं मेरे को तो दोनों ही इतना ज्यादा मेजर नहीं, एक्चुअली कमांडिंग पोजीशन में बहुत सारा फर्क है। इसको जब मैं कमांड बेग इस पे बैठता हूं ना, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा अब मैं अपर साइड बैठा हूं, इसका जो जो व्हील ये है अपना पकड़ते हैं हम अपना हैंडल, ये मेरे को लगा कि थोड़ा सा इस पोजीशन में है, लेकिन तेरे वाली पे जब भी मैं बैठता हूँ मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से बैठ सकता हूँ। हाँ, तो एक तो आपने एक्सटेंडर लगा रखी है, लेकिन उससे पहले ही फील होता था क्योंकि उसकी जो सीट की कुशनिंग है ना, एक बार कुशनिंग चेक करो, देख इसका ज़्यादा स्पंसी है ये देख, और इसमें थोड़ा सा है, इसकी ज़्यादा है बैठते ही ये पूरा यूँ हो जाती है, इसमें थोड़ा सा अभी है फर्क, इसकी थोड़ी सी हार्ड है बट कमांडिंग पोजीशन मेरे को इसकी थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी। हाँ हैप्पी की हाइट हाइट कितनी है अपनी? मेरी 6 फुट, 6 फुट है मेरी भाई, 5'9" 9.5 लगा लो। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इस पे सेडलिंग काफ़ी आसानी और काफ़ी आराम से कर पा रहा था, लेकिन तेरा एक्सपीरियंस बता एक बार कैसा एक्सपीरियंस? मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि सेडलिंग करते टाइम मेरे को थोड़ा सा ये ज़्यादा बेटर लगी। किस चक्कर में वो क्या मेरा जो ये पोर्शन है ना और मेरे को ये थोड़ा सा नीचे जाना पड़ा। हाँ तो मतलब अगर अगर घुटने ऐसे थे तो तू ऐसे इजीली खड़ा हो पा रहा था, अगर तेरे घुटने सीधे कर रहे तो तेरे को झुकना पड़ रहा था, उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था अनकंफर्टेबल लग रहा था। बट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये जबरदस्ती, हालांकि सीट हाइट एडजस्टेबल हो सकती है लेकिन सीट हाइट से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशन नहीं भाई, उसमें भी बाल उसमें तो सेटलिंग करने में उसका कोई बाल रेजर लग जाएंगे कुछ दिन, उसमें बाल रेजर से। अच्छा मेन चीज है इसके अंदर भाई एक इसका मीटर कंट्रोल,
वैसे देखते थे वीडियो के अंदर वो कुछ खास नहीं लगता था, लेकिन जब आज रियलिटी में देखा तो है कुछ चीज, है कुछ चीज लगी ये चीज हमें कि है कुछ, और काफी रिफाइंड काफी ज्यादा कर दिया, मजा आता है इसको चलाने में। इंजन रिफाइंड एक यूं लगा लो जब भी हम क्रॉस करते हैं ना उसमें काफी जबरदस्त आता है, हल्का सा गियर शिफ्ट किया जूम एक जबरदस्त पिकअप मिलता है, इंजन का फर्क है। हालांकि इंजन साइज में देखो यार, इसका भी साइज इतना ही है, उसका साइज थोड़ा सा छोटा है लेकिन साला फिर भी पावरफुल है। तो भाई तो रिफाइन किस चीज को बोलते हैं? यह है भाई, ये अपना एयर कूल्ड है, ये अपना ऑयल कूल्ड है, लिक्विड फर्क है। अच्छा इसके जो टायर सेक्शन आते हैं ये अपने कितने हैं? मेरे ख्याल से ये है 21, ये भी 21 है और ये भी 21 है, तो टायर सेक्शन में तो फर्क नहीं है यार। नहीं नहीं, पिछले में शायद फर्क है। नहीं पिछले में भी नहीं है, नहीं 140 है, ये 120 है और ये 140 है, इसमें फर्क है भाई, इस चीज में फर्क है। और सस्पेंशन भाई साहब, सस्पेंशन के बारे इतना में स्मूथ, मैं लिटरली आपको ये चीज बता रहा हूँ भाई, शोवा का शोकर इसके अंदर आगे वाले दिए गए और पीछे वाला भी एडजस्टेबल दिया गया है, अपने वाले में एडजस्टेबल नहीं है, आगे वाले वो अपने टेलीस्कोपिक है, इसके अंदर USD बॉक्स, इतना स्मूथ भाई राइडिंग का पता ही नहीं चलता, अगर हल्के फुल्के से पोर्ट होल्स आते हैं। हाँ पता नहीं लग रहा था, मैंने भी इसको देखा कि भाई एनालाइज किया, और पावर का फर्क बता दूं तो भाई ये फुल इंजन है, ये हाफ इंजन है ऐसा लग रहा है। हाँ इनिशियल पावर, इनिशियल पावर आज फर्स्ट टाइम हम दोनों ने एक साथ ड्राइव करके देखा, एक साथ चला के देखा, एक साथ इसको फील करके देखा कि ताकि हम आपको एक बेस्ट चीज बता पाएं। और बटन्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी भाई इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो मज़ा आ रहा था। ये देखो अगर पास का भी देखो, बिल्कुल बहुत ही क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त कर दी इन्होंने, ये चीज़ अच्छी लगी। और टैंक भाई बैठने में ऐसा लग रहा था यार इतना बड़ा, मतलब जैसे GSC वगैरह नहीं चलाते हो, बड़ी वाली चलाते हैं, बड़ी वाली बॉक्स है भाई साहब, ये क्या ही चीज़ बना दी भाई। बाकी यार मतलब वसूल है पैसा, हाँ पैसा वसूल है भाई। मैं अगर देखो मैंने ये ऑन नहीं करी होती ना, अगर मैंने ये ऑन नहीं करी होती तो मैं इसको डेफिनेटली इसके लिए इसको खरीद, लेकिन मैंने इसको खरीद लिया है और ये बाइक कम। बट एक चीज मैंने इसके अंदर हकीकत में मिस की यार, मैंने बहुत मिस किया जो जहाज वाली फीलिंग आती है ना, वो जो जहाज उड़ाते हैं वो नहीं आएगी, कंसोल वाली वो फील इसलिए आती है क्योंकि इसके अंदर डिजिटल कंसोल है, उसके अंदर दिखा देते हैं आपको, वो वाला सीन मैंने मिस किया भाई, मैंने रियलिटी में मिस कर रहा हूँ मैं इस चीज को। बट वो चीज है यार, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी के साथ इसके अंदर मेरे ख्याल से इसके अंदर भी दे सकते थे वो, तो ये साइड वाला मीटर है इसके अंदर, ये इसको दे सकते थे राउंड वाले को, और बेटर हो जाती है ये चीज़, थोड़ा सा अच्छा लगता। बट अगर लेने का प्लान हो किसी का तो अभिषेक भैया तो डेफिनेटली लो भाई, डेफिनेटली मन बना हुआ है, पसंद आई भाई रियलिटी में, हकीकत में पसंद आई, ड्राइव एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। तो भाई अगर मैं 10 out of 10 देना चाहूँ तो 10 out of 8 मेरे को लगा इसके अंदर, 1-2% इसका मेरे को इस चीज़ का लगा, थोड़ा सा हैंडल बार थोड़ा सा और अपसाइड होता तो मैं और ज़्यादा कंफर्टेबल होता, और एक दो चीज़ और मेरे को इसकी थोड़ी थोड़ी सी लगी, वो तो चल कोई नहीं नेगलेक्ट हो जाएंगी, छोटी मोटी चीज़ें हैं। बाकी आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई? मैं तो राइड के मामले देखो अगर 411 को देखो मैं तो यही बेस्ट है, 450 को देखो तो चलो कोई नहीं यार ले आएंगे, ये भी अपनी और ये भी अपनी। सो भाई ऐसी थी वीडियो हमारी है, और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था हमारा जो हम आप तक शेयर करना चाहते थे। फुली डिजिटल ये आ चुकी है, मतलब अपने सारे के इंडिकेटर वगैरह जो है वो सारे डिजिटल इसके बन गए, उसमें छोड़ दिया वरना दिक्कत देखने मिल जाते हैं, डिजिटल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाता है, और इसका जो ये वाला ये थोड़ा सा छोटा है, वो अपने वाले का थोड़ा सा बड़ा है, वो आफ्टर मार्केट आपको ना वो मिलेंगे, आपको बड़े मिलेंगे, ऊपर तक भी मिलेंगे। चलो कोई नहीं, एक बार ना आप शोरूम पे आके बुकिंग फॉर्म भर देना, तो भी इतना ज्यादा इसके ऊपर ऐसे चलो एक एग्जॉस्ट भी है इसका, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया यार। एक स्विंग आर्म का मेरे को दिखा, ये देख इसका स्विंग आर्म इस तरीके से है, इसका स्विंग आर्म जैसे स्पोर्ट्स बाइक का नहीं होता, इस साइड आया दिखाता हूं तेरे को, ये देख इस बार इस साइड देख तू, मेरे को ये थोड़ा सा बहुत प्यारा लगा यार, ये यहां से स्टार्ट हो गया, ये देख ये वाले पैनल इसने हटा ही दिए, इसके अंदर तो थोड़ा ही नहीं चेसी, मेरे ख्याल से इन्होंने डबल चेसी है यार, ये देखिए भाई डबल चेसी है, वही मैं आपको बता रहा था कि डबल चेसी इन्होंने हैवी कर दिया अब इस चेसी को, ये यहीं से दिख रही है, कितनी हैवी दिख रही है भाई। रॉयल एनफील्ड ने वर्क तो किया है यार, काफी अच्छा वर्क किया है, नो डाउट भाई, कोई चीज नहीं बनेगी ना किसी आप भाई, वही बात है हलवाई एक दिन हलवाई नहीं बनता, बार बार जब उसको पकाते हैं तब बनता है। ऐसी थी हमारी ये वीडियो, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? एंड डेफिनेटली भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेधड़क इस पे जा सकते हैं, मैं तो भाई नो डाउट हूँ, जिसने क्या खरीद रखी है देखो वो तो उसका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि भाई उसको पैसे लगाने पैसे लगाने नहीं, ठीक है, लेकिन अगर कोई नए
आखिरी भाई एडवेंचर उसमें जाना चाहता है, लाइन में जाना चाहता है, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बाइक है भाई इंडिया के लिए, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बाइक है इस बजट में, इससे बढ़िया भाई मैं नहीं मानता यार। फीचर ही ऐसे अल्टीमेट दे रखे, फीचर्स तो आपने देख लिए हैं भाई, फीचर नहीं, सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, दिखाओ भी एक बार, इस जैसा भरोसा आपको कभी नहीं मिलेगा भाई, भरोसा नहीं, आप कभी भी नहीं जीत सकते किसी भी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल राइट भाई, ये चीज़ मानने की है, आपने बहुत सारी ब्रांड मिल जाओगे लेकिन ये भरोसा कोई नहीं दे सकता आपको। मैं अपनी बाइक ने कहीं भी किसी भी टाइम कहाँ कहीं भी ले जा सकता हूँ, और कहीं भी मेरी बाइक कुछ भी हो जाओ मैं वहीं खड़ी कर सकता हूँ, इतना बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करते हैं रॉयल एनफील्ड वाले, इसलिए आप वर्थ इट है भाई जाना इस पे, क्योंकि जिसके पास ये है ये बहुत बढ़िया है, और जिसके पास नहीं है तो इसके लिए बेटर है, ये ले लो बेस्ट है उसके लिए। सो भाई ये हमारी वीडियो थी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बस हम आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे कि कैसी हमें इसकी राइड लगी, हाईवे के लिए ज़बरदस्त है भाई, सिटी के लिए भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि हैवी है, हाँ थोड़ा सा मेरे को ये झुकी हुई लग रही है, वो थोड़ा सा ठीक खड़ी होती है, इस वजह से इस पर वेट फील होता है जब मैं इसको उठाता हूँ, बट वो कोई नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो यार एक दो बार करनी होती है, ऐसा थोड़ी ना कि भाई हमें परेशानी होती है, जब आप चलाओ ना तो कुछ नहीं हो जाता है इन चीज़ों को। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही नई वीडियो के अंदर। इसके अगर आपको राइड रिव्यू देखना है तो हमारे एचआर राइडर अभी पे आपको देखने मिल जाएगा, और दोनों चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, वीडियो ज़बरदस्त आपको देखने मिलने वाली हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, ठीक है, हैप्पी भाई, जय बाबा, जय बाबा। Thank you.